माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ आज़म एंड आज की वीडियो MT-15 वर्सेस NS-160 BS-6 की है। बेसिकली आपने पिछली वीडियो में देखा होगा MT-15 मतलब टॉप स्पीड में रह जाती है NS-200 BS-6 से, वॉन नहीं कर पाती है, बट यहाँ पे NS-160 आई है एंड ये NS-160 का पावर बढ़ा है एंड अप्रॉक्स एक ही PS का फ़र्क है दोनों में, 1 से 2 PS का। तो प्राइस की बात करें तो NS-160 काफ़ी सस्ती है, यहाँ देखा जाए MT से तो अप्रॉक्स आई थिंक 140 वगैरह के आसपास से आपकी NS-160 आती है एंड ये 175 के समथिंग। तो आज इन दोनों का रेस करके देखते हैं एंड देखते हैं कि कौन होता है विनर, क्या नई 160 NS-BS-6 बॉर्न होती है या फिर MT-15 बॉर्न होती है या फिर एक्सेलरेशन में कौन टक्कर देता है, कितना गैप बनता है। तो चलिए रेस शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि कौन होता है विनर। तो मैं चला रहा हूँ NS-160 BS-6 और रोहन चला रहा है MT-15 BS-6 एंड देखते हैं कि कौन क्या होता है रिजल्ट विनर इन दोनों के बीच में। यहाँ पे जो विनर थी वो आपकी MT-15 हुई एंड ये देखा जाए तो 160 एंड मतलब प्राइस वाइज अच्छा परफॉर्म की,
ज़्यादा गैप दिखा नहीं, लास्ट में जो था टॉप में आपका गैप हो गया एंड ये 132 पे लिमिटर हिट कर रही है। मीनवाइल इसके टॉप स्पीड अच्छी हो गई है, पहले जाती थी उतना बट स्ट्रगल करके जाती थी एंड 132 पे लिमिटर हिट कर गया था। अप्रॉक्सीमेटली उतना ही जा रही थी बट इसकी इनिशियल काफ़ी अच्छी है। हाँ शुरुआत में काफ़ी आगे निकल, पता है इतना लंबा नहीं कर रहा था, समझे उतना लंबा नहीं करना था, लिमिटर हिट कर गई थी। तो चलो सेकंड अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं। आज तो हवा ही नहीं चल रही किसी तरफ से ऐसा लग रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं। और हमको लगता है सेकेंड अटेम्प्ट में वही सेम रिजल्ट आएगा, ऐसे लग रहा। लेकिन अच्छा पुल की ज़्यादा गैप नहीं था पहले शुरू में, टॉप एंड लगभग सेम है। हाँ वो भी 132 नहीं जाएगी, ये तो ज़्यादा जाती है 143 तक। हाँ हाँ सो अब मैं चलाता हूँ MT एंड रोहन चलाता है NS160 और देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट, कौन होती है विनर। तो चलिए सेकंड अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, या फर्स्ट अटेम्प्ट वाला रिजल्ट आता है या फिर सेकंड अटेम्प्ट का कुछ रिजल्ट चेंज होता है। तो विनर जो थी वो MT15 हुई वंस अगेन एंड इस साइड विंड ब्लास्ट ज़्यादा था, टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पा रही है ये, 143 तक जाती है बट स्लिप स्ट्रीम करने पे ऐसे इजीली जाती है 136 वगैरह तक। कितना गई थी हा? कितना गई थी गैप, कितना था 128-30 गैप था, गैप इस बार ज़्यादा नहीं था, मतलब यहाँ ये आपकी बाइक वहाँ ठीक है, इस साइड विंड ब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा था। कितनी गई थी टॉप 132 तक गए थे वो। हाँ ऐसे 136 जाती है स्लिप स्ट्रीम करने पे, 145 तक चली जाती है। 138 तक हम ले गए। हाँ तो चलिए इस रेस को यहीं पे एंड करते हैं एंड जो फाइनल विनर हमारा हुआ वो MT15 हुआ एंड मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। बाय बाय।